सोलन नगर निगम द्वारा सोलन के 54 व्यापारियों को चालान का नोटिस भेजा गया था। व्यापारियों का चालान अतिक्रमण करने पर किया गया था, क्योंकि उनके द्वारा दुकान का सामान दुकान के बाहर भी लगाया गया था, जिसके कारण आने जाने वाले राहगीरों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। एक साथ 54 चालान होने पर व्यापारियों का समूह कुशल जेठी की अध्यक्षता में नगर निगम कमिश्नर के पास पहुंचा और उनसे आग्रह किया कि वह चालान किस आधार पर कर रहे हैं, ये जानकारी व्यापारियों को पहले दें और उसके बाद उनका चालान करें। जिस पर नगर निगम कमिश्नर ने उनकी बात मानी और सभी चालान रद्द कर व्यापारियों को ही अतिक्रमण के नियम बनाने के लिए समय दिया। व्यापार मंडल यहाँ नगर निगम के कमिश्नर से मिले, हमारे कुछ चालान हुए थे दुकानदार भाइयों के 54, उनको कुछ नया इनका सिस्टम है कि वीडियो से चालान करके उनके चालान भेज दिए गए, तो हमारे सब मिले और इनसे रिक्वेस्ट करी कि भाई हमारे को तो सिस्टम नहीं पता और दूसरा हमारे को पता नहीं कब चालान हुए, तो उन्होंने हमारी बात ध्यान से सुनी और हमने रिक्वेस्ट करी कि इनको अभी वार्निंग दे के छोड़ दिया जाए, तो उन्होंने सबको छोड़ दिया। और इन फ्यूचर के लिए हमारे को बताया जाए कि आपका क्राइटेरिया चालान करने का क्या है। पहले तो टीम आती थी, पता लगता था टीम आ रही है तो चालान हुए तो पता भी मेरा चालान हुआ, अब इस सिस्टम से पता ही नहीं लग रहा भी चालान कैसे हुए, तो वो हमने इनसे कहा कि भी हमारे को समझाओ इस बारे में कृपया, तो इन्होंने हमारे को कोऑपरेट किया कमिश्नर साहब ने और इन्होंने हमारे को समय दिया 15 दिन के अंदर आप खुद ही तय करो, व्यापारी तय करें भी यहाँ तक हद होनी चाहिए ताकि आम जनता को आने जाने में दिक्कत ना हो। और हमने भी आश्वासन दिया कमिश्नर साहब को कि हम दुकानदार से रिक्वेस्ट करेंगे कि कृपया अपनी हद में रहे, इंक्रोचमेंट मत करें और कोई इंक्रोचमेंट अगर ज़्यादा करता तो उसका चालान होगा, तो उसके बाद हम चालान कैंसिल के लिए नहीं आएंगे। और 15 दिन के अंदर हम ये एक कच्चा सा इनको पूरे बाजार का बना के देंगे भी हम यहाँ तक जहाँ किसी को दिक्कत ना आई वहाँ तक हम इनको निशान लगा के देंगे। उसके बाद हमने ये कहा कि आप उसके ऊपर येलो लाइन लगाएं ताकि उस येलो लाइन के बाहर कोई व्यक्ति इंक्रोचमेंट ना करे, उसके बाद भी कोई इंक्रोचमेंट करता तो उसका बेशक चालान किया जाए। अधिक जानकारी देते हुए नगर निगम कमिश्नर प्रशांत सरकैक ने कहा कि आज व्यापारियों को प्रतिनिधि मंडल आकर मिला था और उन्होंने आग्रह किया कि जो चालान नगर निगम ने व्यापारियों के किए हैं वे रद्द किए जाएं। उनके आग्रह पर ये चालान रद्द कर दिए गए हैं और व्यापारियों को अतिक्रमण ना करने की सलाह दी है और साथ ही उन्हें इसका समाधान करने का समय भी दिया गया है, जिसमें व्यापारी वर्ग खुद अपनी दुकान की सीमा तय करेगा और अगर उस तय सीमा से वह सामान बाहर लगाया जाएगा तो उसके खिलाफ नगर निगम सख्त कार्रवाई अमल में लाएगा। कुछ माल रोड पे जो कुछ दुकानें नाली पे और रास्ते पे काफ़ी ज़्यादा बढ़ी हुई थी, एक वीडियो सर्वे करके उसमें नोटिस दिया गया था दुकानों को फाइन जमा करने के लिए, तो इसी उपलक्ष्य में आज व्यापार मंडल की एक रिप्रेजेंटेशन आई और उन्होंने ये अपनी बात रखी कि उन्हें इस बारे में जानकारी नहीं थी कि वो कहाँ तक अपना सामान रख सकते हैं, तो इस उपलक्ष्य में जो उन्हें नोटिस दिए गए हैं उसको उन्होंने वापस लेने का यहाँ पर एमसी में रिक्वेस्ट की है। तो इसमें क्योंकि हमारा मुद्दा ये नहीं है कि हम लोगों के ऊपर फ़ाइन लगाएं, हमारा ये ऑब्जेक्टिव है कि जो बाज़ार में चलने की जगह है आम लोगों के लिए उसमें असुविधा ना हो, इसलिए इसको देखते हुए ये निर्णय लिया गया है कि इन सभी दुकानदारों को जो नोटिस दिया गया है ये देखते हुए कि यहाँ पर आके इस बात में सहमति हुई है कि ये एक अपनी ओर से एक प्रस्ताव देंगे कि किस प्रकार से बाज़ार में जो अनऑथराइज्ड एक्सटेंशन दुकानों की कर दी जाती है उसके बारे में एक प्रस्ताव देंगे कि बाज़ार में एक ही प्रकार से एक लाइन में ही सभी दुकानें रहें ताकि लोगों को असुविधा ना हो, इस प्रकार की इन्होंने हमें आश्वासन दिया है और इसका प्रस्ताव व्यापार मंडल की ओर से आएगा उन्होंने कहा है, और उसको मद्देनज़र रखते हुए फिलहाल के लिए ये नोटिस हम वापस ले रहे हैं क्योंकि दुकानों की तरफ से बाज़ार की तरफ से कोऑपरेशन का हाथ आगे आया है और हम भी यही चाहते हैं कि कोऑपरेशन के माध्यम से शहर में सभी को सुविधा हो, दुकान वाले भी अपना काम करते रहें और आम नागरिकों को भी चलने फिरने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो जब ये प्रपोज़ल इनको 2 हफ्ते का टाइम दिया है, इसमें वो अपनी तरफ से हर एक बाज़ार का छोटा सा प्रपोज़ल बनाएं, ड्राइंग बनाएं, उनके प्रपोज़ल के हिसाब से हम बाज़ार की विज़िट करेंगे और अगर उनके प्रपोज़ल हमें लीगली और प्रैक्टिकली एक्सेप्टेबल लगा तो उनके प्रपोजल के हिसाब से ही आगे कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, और उस प्रकार से क्योंकि मेन ऑब्जेक्टिव एंड में किसी पे एक्शन लेने का नहीं है, मेन ऑब्जेक्टिव सुविधा प्रोवाइड करने का है, और अगर इस प्रपोजल के बनने से सुविधा हो सकती है आम आदमी को चलने फिरने में तकलीफ ना हो तो हमारा ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो गया।